नमस्कार, मैं कविराज यानी कवियों का राजा डीडी किसान के दर्शकों का स्वागत करता हूँ इस सफर में, जहाँ हमारे हम सफर है आप और साहित्य की दुनिया के महारथी, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। वही जैसा कि हम जानते हैं, ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चलती, संघर्षों के बिना मंजिल नहीं मिलती और ना ही होता है नाम। और ऐसे कड़े संघर्षों की जीती जागती मिसाल है हमारे साथ जो है वो है साहित्य के महापंडित डॉक्टर अशोक चक्रधर जी और महान गीतकार समीर अंजान जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सर जी? बस फर्स्ट क्लास कविराज। एक बात बताओ, तुमने एक बात बोला मैं कवियों का राजा हूँ। हाँ जी, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कवियों का राजा, मतलब तुम सोच चुके हो क्या 100 करोड़ तुमको मिल गया? नहीं सर जी, हमने सोचा हम बोले कवियों के राजा नहीं है तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, तो हमने अच्छा हम सीख रहे हैं ना अभी। सीखने के बाद राजा बनते तो ज्यादा बेटर था। पर आपने कहा था कि कभी कल्पना में अच्छा होना चाहिए, तो हमने कल्पना कर ली। चलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, लेट्स गो, लेट्स गो। अशोक जी कुछ नहीं कह रहे, देख रहे हैं कि राजा अभी नया नया बना है, ताज सिर पे रखा हुआ है, मुस्कान चेहरे पे है। जी जी, ये कांटों का ताज है राजा बनना, मालूम है? हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या करें, दुकानदार बन जाए वापस से? कविराज का एक मतलब और भी होता है। क्या? वो होता है वैद्य। अच्छा। और मुझे मालूम है कि तुम्हारे पिताजी वैद्य रहे हैं। हमारे दादाजी उनके भी दादाजी वैद्य रहे होंगे कहते। इसका मतलब ये है कि पुश्तैनी काम अगर पूछा जाए तो कविराज वाला ही है, वैद्य की इलाज करना। और तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी ये चुलबुली चेतना हमारी दवाई का काम करती है। आपने हमारा शुरू में ही दिल जीत लिया। अब हम मतलब आपने तो पहले से ही जीता हुआ है, बहुत खुश हो गए, लेकिन आपको भी देख के ना हम बहुत फुल खुश हो जाते हैं। सच्ची एक प्रिंट अच्छा लग रहा है, कहाँ कौन सी दुकान से ले लिया? पगली, पगली नाम है दुकान का। अच्छा ठीक है, तो सर जी शुरू करें? बिल्कुल करो, शुरू करो और आनंद पूर्वक करो। हाँ जी, तो आनंद के साथ बता रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं पहले पड़ाव के आखिरी हफ्ते में। आज ये तय हो जाएगा कि कौन से 20 महारथी जाएंगे अगले पड़ाव में। गुरुजनों क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा सफर अब तक? अभी 9 सीढ़ियां चढ़े हैं, 10वीं सीढ़ी चढ़ने के बाद तो अध्यात्म में भी कहा जाता है कि 10वें द्वार के बाद तो फिर ब्रह्मानंद सहोदर हो जाता है, ब्रह्मनाद होता है, अनहद की ध्वनि होती है। जी। नौ पौरी पर दशम द्वारा, तेह पर बाज राज घड़ियारा, राज घड़ियाल बजता है, तभी ये तुम्हारे 10 महारथी आगे जो जाएंगे। जी, अब देखें वो कौन सा ब्रह्मनाद करते हैं। जी 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 जी, तो चलते हैं फिर गुरुजी आगे। फरमान आ चुका है तो फिर देर किस बात की, तैयार है हमारे साहित्य के महारथी, हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कावे। हाँ जी, एक बार फिर से नियम याद दिलाना है हमारा फर्ज, तो करते हैं अर्ज। हमारा पहला पड़ाव पहले 10 हफ्तों तक जारी रहेगा और आज है पहले पड़ाव का आखिरी हफ्ता। जैसा कि हम जानते हैं हमारा पहला पड़ाव है पहली चुनौती, जिसके 2 राउंड के अंक जोड़कर जिन 2 प्रतिभागियों के अंक होंगे सबसे ज्यादा वो पहुंचेंगे अगले पड़ाव पे। तो आइए करते हैं शुरू पहली चुनौती। कवि की स्वरचना, जिसमें सभी अपने मन की रचना सुनाएंगे, तो शुरू करें। तो आइए बुलाते हैं हमारे आज के पहले प्रतिभागी को। ये पेशे से आर्किटेक्ट है, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आना और जीत कर गोल्ड मेडल्स लाना इनका शौक रहा है, और अगर आज वो इस मंच तक पहुंच पाई हैं तो इनके पीछे इनके पतिदेव का हाथ। कविराज का इनको सलाम। मंच पर आ रही हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से सोनू रोहित सोना। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपने एक कान में क्यों इयररिंग पहना है? मैंने दोनों कान में पहने। आज फंस गए कविराज, आज गए आप काम से। अब लोगों को पता चल गया, अब लोगों को पता चल चुका है, पहले के देख लिए इन्होंने एपिसोड। अब नया तरीका निकालो, कुछ न कुछ नया निकालो जी। अगली बार चप्पल पूछेंगे, एक चप्पल वो भी पता चल जाएगी, उसका भी वजन होता है जी। लेकिन आप जो तैयारी करके आए हो उसमें वजन है? बिल्कुल है। अच्छा ये आप बताओ, ये गोल्ड मेडल आपको मिलता है पढ़ाई में? जी। और आपके हस्बैंड को भी गोल्ड मिलता है? जी। तो हमने सुना लेडीज को गोल्ड बहुत पसंद है, इसलिए आपने पति ऐसे चुने गोल्ड वाले? नहीं, नहीं, हम दोनों
दोनों ने आर्किटेक्चर किया है और दोनों के मास्टर्स अलग हैं हमारे. मैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ, वो अर्बन डिज़ाइनर हैं. तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम दोनों ने अपनी पढ़ाई में अव्वल स्थान हासिल किया. वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक छोटी सी बात और बताइए कि आपकी कविता पे अर्बन डिजाइनिंग का असर है या कि लैंडस्केप का? जी, दोनों का असर दिखेगा आपको. अच्छा. ज्यादातर लैंडस्केप का दिखेगा, पेड़ पौधों से मुझे बहुत लगाव है. हो जाए फिर. चलो, वेरी गुड. तो ठीक है, इस यू ऑल द बेस्ट. आप दोनों की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़े. इरशाद, अर्ज करती हूँ. झूठ कितना लोग अक्सर बोलते हैं, झूठ कितना लोग अक्सर बोलते हैं, एक अंदर एक बाहर बोलते हैं. वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. वाह. झूठ कितना लोग अक्सर बोलते हैं, एक अंदर एक बाहर बोलते हैं. कुर्बतों में बात ये मुमकिन नहीं गर, कुर्बतों में बात ये मुमकिन नहीं गर, तो चलो हम दूर जाकर बोलते हैं. क्या बात है, वाह वाह, बहुत को. तो चलो हम दूर जाकर बोलते हैं, पूछिए हमसे कि है मसरूफ कितने, पूछिए हमसे कि है मसरूफ कितने, खामोशी के साथ दिन भर बोलते हैं. वाह 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 वाह. खामोशी के साथ दिन भर बोलते हैं, क्या पता फिर गलतियां तुम दोहराओ, क्या पता फिर गलतियां तुम दोहराओ, मैं नहीं पर ये मेरे डर बोलते हैं. बहुत अच्छा है, वाह वाह. मैं नहीं पर ये मेरे डर बोलते हैं, जल्दबाजी क्यों बहुत की रुखसती में, जल्दबाजी क्यों बहुत की रुखसती में, फिर यहीं लौट आए जेवर बोलते. अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा शेर आया. अच्छा शेर है, वाह वाह वाह. जल्दबाजी क्यों बहुत की रुखसती में, फिर यहीं लौट आए जेवर बोलते हैं. राज हमको ये पता करना कि आखिर, राज हमको ये पता करना कि आखिर, कब शकर कब जहर खाकर बोलते हैं. वाह 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 वाह. ठान लूं गर तो ये सूरत मैं बदल दूं, ठान लूं गर तो ये सूरत मैं बदल दूं, जिस जमी को आप बंजर बोलते हैं. बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या हौसला है, क्या हौसला. ठान लूं गर तो ये सूरत मैं बदल दूं, जिस जमी को आप बंजर बोलते हैं. तोड़ दे या फिर संवारे कोई आकर, तोड़ दे या फिर संवारे कोई आकर, अधमरे हैं कब से खंडर बोलते हैं. अधमरे हैं कब से खंडर बोलते हैं, कान दीवारों के होते हैं तो फिर तब, कान दीवारों के होते हैं तो फिर तब, सच ये भी हो ईंट पत्थर बोलते हैं. क्या बात, वाह वाह, बहुत को बहुत को बहुत को. और आखिरी शेर अर्ज करना चाहूंगी. शायद इससे पहले कि चुभे उन पांव को हम, इससे पहले कि चुभे उन पांव को हम, राह से हट जाएं कंकर बोलते हैं. क्या बात है, झूठ कितना लोग अक्सर बोलते हैं, एक अंदर एक बाहर बोलते हैं. शुक्रिया. बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह. सोना जी, जी आप तो पूरा इसमें वही ले आए आर्किटेक्चर, ईंट पत्थर गारा खंडर. जी मैंने कहा ना कि वो तो आएगा ही, जो काम है उसी पे आप जी 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 डिजाइन करती करते जी, उसकी झलक तो है. जी 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 जी. आप पूछते समीर जी से. समीर जी क्या लगता है आपको? सोना बहुत अच्छा लगा, और जो जमीन है गजल कहने की बहुत नई है और बहुत अच्छे थे पहले ही चेट, तो मतलब जो इसका बहुत खूबसूरत है जी. एक अंदर है एक बाहर बोलते हैं, ये कमाल की बात है. और ये आदमी के करेक्टर को, जो दो चेहरे जो आदमी लेके चलता है ज़िंदगी में, उसको जिस तरह से तुमने डिफाइन किया है ना, काबिले तारीफ है. बधाई की पात्र हो, गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया. कविता ने क्या किया आपकी ने कि एक मनोवैज्ञानिक अंतरलोक में प्रवेश करके आपने उसको खंगाला और निकाला जी. लेकिन सबसे अच्छा शेर जो आपका था, लौट के घर
जेवर बोल लौट आए, मतलब इसमें पूरा स्त्री पुरुष संबंधों का जो तनाव है वो दो पंक्तियों में बिना कोई जिक्र किए हुए आ गया इस कविता में। इसको हम कहेंगे हमारी व्यंजना की शक्ति है कि आप समझो कि इसका लेटेंट कंटेंट क्या है। मैनिफेस्ट तो आपने बता दिया, जेवर लेके लौट आई, हर लड़की आती है जेवर लेके लौट के आती है, लेकिन जेवर लौट के आना ये बहुत कुछ कहता है। तो ये जो बहुत कुछ कहने की अदा है जी, ये शायरी कहलाती है। तो नंबर भी देख लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर जी आप कितने मार्क्स देंगे इनको? 80। और अशोक जी ने दिए 90। तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हो गई, हमारे आपके टोटल मार्क्स हो गए 170 जी, बहुत बढ़िया। सर जी आसपास की चीजों पे आप कह रहे थे लिख सकते हैं, तो हम भी लिखेंगे गाजर, क्यों नहीं अपनी, बिल्कुल लिखो, मेरी दुकान में सब कुछ है, मसाले हैं। मूली को मामूली मत समझो। इसी जमीन पे लिख डालो कविराज, मूली को मामूली मत समझो जी, अगली कविता इस पे लिख के लाना। लिख के ले आओ सर। ठीक है सर जी, गुड भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे नंबर है, प्लीज टेक योर सीट। अब समय है एक अल्प विराम लेने का, लेकिन हम बहुत जल्द वापस आएंगे और बाकी के तीन कवियों को बुलाएंगे। जाइएगा नहीं, यही मिलेगा 100 करोड़ का कवि ईटीडी किसान पर। जिंदगी में की गई गलतियों से अपनी जिंदगी को तराश नहीं, तुम्हें जिंदगी देगी इसे सूली मत समझो। मेरी मूली स्पेशल है, मामूली मत समझो। क्या बात है कविराज। अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा, लोग समझेंगे भटकता है दीवाना होगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान पर एक बार फिर से स्वागत है आपका, यहाँ हम मिलकर ढूंढेंगे सभी 100 करोड़ का कावे। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे गुरुजनों ने बोला कि भाई आप कल लिख के लाना, हमने बोला कल क्यों, हम अभी लिख के लाते हैं। मूली मामूली पे सर जी, कविराज बेशखत है, तुम्हें जिंदगी देगी इसे सूली मत समझो। वाह, तुम्हें जिंदगी देगी इसे सूली मत समझो। मेरी मूली स्पेशल है, मामूली मत समझो। क्या बात है कविराज। अच्छा तुम भारी पड़ रहे हो यार। सर जी हमारी सेल बढ़ जाएगी दुकान की, हम यही करते रहे तो। चलो वेरी, मूली ज्यादा बिकेंगी। हाँ जी, तो आगे चले गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे अगले प्रतिभागी हैं वो जो आए हैं देश की राजधानी दिलवालों की दिल्ली से। ये सिर्फ 20 साल की उम्र में कई प्रतियोगिताओं में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। ये अपने बड़े भाई को अपना आदर्श मानते हैं। देखते हैं कैसा रहता है इनका आगे का सफर। स्वागत है आपका आसिफ अफसर। कैसे आप अफसर जी? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक है, हमारे गुरुजन वेट कर रहे हैं आप क्या सुनाने वाले हो। जी मैं खुद इंतजार कर रहा था कि मैं कब आऊं और सर के सामने अपनी गजल रख सकूं। अच्छा आप कई प्रतियोगिताओं में जा चुके हैं। जी मैं कॉलेज की तरफ से बैतबाजी वगैरह में या जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता था उसमें मैं जाता था, अपनी टूटी फूटी जो भी गजल है वो पेश करता था। अच्छा गुरु जी शुरू करें क्या? यस स्वागत स्वागत। चलो फिर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मतला हाजिर करने से पहले मैं जजेस की इजाजत चाहूंगा। जी स्वागत स्वागत। के मतला यूं है कि अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा, अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा, अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा,
लोग समझेंगे भटकता है दीवाना होगा। क्या बात है, अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा। लोग समझेंगे भटकता है दीवाना होगा, मरते मरते भी रिश्तों का भरम रखना है। मरते मरते भी रिश्तों का भरम रखना है, हमें अपनों का दिया जख्म छिपाना होगा। मरते मरते भी रिश्तों का भरम रखना है, हमें अपनों का दिया जख्म छिपाना होगा। और मैं डट गया हूँ सरे मैदान तो जंग लाजिम है। मैं डट गया हूँ सरे मैदान तो जंग लाजिम है, पास दुश्मन के नया अब क्या बहाना होगा। पास दुश्मन के नया अब क्या बहाना होगा। और तुम अगर साथ मेरा दो तो उजाला कर दूं। तुम अगर साथ मेरा दो तो उजाला कर दूं, बस तुम्हें रात की दीवार को उठाना होगा। क्या बात है। तुम अगर साथ मेरा दो तो उजाला कर दूं, बस तुम्हें रात की दीवार को उठाना होगा। और शेर यूं है कि उम्र है, वक्त है, मौका भी है, मौसम भी। क्या बात है। वाह वाह। उम्र है, वक्त है, मौका भी है, मौसम भी, फिर कहाँ दिल में किसी का मेरे आना होगा। क्या बात है। उम्र है, वक्त है, मौका भी है, मौसम भी, फिर कहाँ दिल में किसी का मेरे आना होगा। और मक्ता देखिएगा कि ऐशो इशरत से बनी है तेरी दुनिया हमदम। ऐशो इशरत से बनी है तेरी दुनिया हमदम, हमको पर्वत से नहर छीन के लाना होगा। क्या बात है। वाह वाह। अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा। उम्मीद है लोग समझेंगे भटकता है दीवाना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो हम अपने गुरुजनों से पूछते हैं। समीर जी आपसे शुरू करते हैं। बड़ी उम्मीद भरी गजल और बहुत अच्छी गजल। कुछ कुछ शेर तो बड़े कमाल के थे तुम्हारे, और बहुत अच्छे से आपने अपनी गजल पेश की, और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच। अशोक जी, दीवानों को बहुत तरह के इम्तिहान देने होते हैं, और आपकी गजल, आपका ये कलाम इसके लिए तैयार है। तो इसी बात पे देख लेते हैं कितने नंबर हैं। 80 नंबर दिए समीर जी ने, और अशोक जी आप कितने देंगे? 80। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको टोटल मिला के हो गया 160 जी। आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। थैंक यू। हमारी तीसरी प्रतिभागी हैं चांदपुर यूपी से। ये एक एंटरप्रेन्योर है, मैराथन में दौड़ने का शौक भी है, पहाड़ों पर झटपट चढ़ जाती हैं, ट्रैकिंग भी करती हैं, कविताएं लिखना पसंद करती हैं। वो इतना सब कैसे कर लेती हैं काम, आइए जानते हैं उन्हीं से, जिनका नाम है फैजी खान। क्या हाल है? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। तो आप कैसे लिख लेते हो, पहाड़ों पे जाके लिखते हो, मतलब ट्रैकिंग करते हो, कैसे? वहाँ से वो ख्याल आता है कि कोई इंसान इतनी तकलीफ में, जब उसका जिस्म जो है बिल्कुल सुन पड़ रहा होता है, उसके बावजूद भी वो चलता जाता है, ऐसी कौन सी ताकत होती है। तो वो आइडियाज वहाँ से आते हैं, तो फिर उसको मैं पेपर पे लिख देती हूँ। सर जी ये काम करता है, जैसे हमको आइडिया नहीं आ रहा, हम पहाड़ पे चले जाएं वहाँ लिख लेंगे। तुम तो कोई भी कारनामा करोगे, वहाँ से कविता फूट के फव्वारे की समान निकलेगी, तुम्हारा मस्तक फोड़ के सब जगह बिखर जाएगी। चलो ठीक है, आप परफॉर्म कीजिए। एक जो कहानी होती है जो बहुत पेचीदा सी सब लोगों को लगती है कि जिंदगी क्या है, तो मैंने उसके बारे में कुछ लिखा है, प्रोस फॉर्म में लिखा है। इरशाद, इरशाद। शुक्रिया। जिंदगी को पहचानने का सफर जी, लगता बिल्कुल आसान है पर है उतना ही पेचीदा। एक कोना जो आपको लगता है आप हो, तो दूसरा कोना जो आप असल में हो। तो जो आधा सफर है वो इसी जद्दोजहद में लग जाता है कि क्या हूँ और क्या होना चाहिए। क्या वो हम कहते हैं ना, what I am and what I should be। तो जिंदगी को थोड़ा सा खकोला तो ये समझ में आया कि जो मैं, मुझे लगता था कि मैं हूँ, वो मैं नहीं थी।
काफी चीजें ऐसी की जो एक अरसे पहले यकीन था कि कभी नहीं करूंगी। बस इतना समझ में आया कि एक डिब्बे में नहीं रहना है, मुझे अपना रास्ता जो है वो खुद चुनना है। बचपन से पढ़ाया गया कि पढ़ो लिखो, बड़ी नौकरी करो, बड़े इंसान बनो, और बैकग्राउंड में साहिल लुधियानवी साहब का गाना चलता था। क्या बात है, वाह। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं जिंदगी को उस मुकाम पर लाता चला गया। क्या बात है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। पर कुछ वक्त बाद ही पता चला, सारे नतीजों के बाद, कि बस वो एक समाज रूपी जो एक बक्सा है उसके अंदर नहीं रहना। वाह। अगर जयपुर की थड़ी की 5 रुपए की चाय पसंद है तो ताज होटल का स्ट्रॉबेरी शेक भी पसंद है। अगर सोशलिज्म पसंद है तो कैपिटलिज्म भी पसंद है। अगर सच्चाई पसंद है तो ख्याली पुलाव भी बेहद पसंद है। अगर DD1 का नीम का पेड़ पसंद है तो जिम कैरी के शोज भी पसंद है। प्रेम चंद पसंद है तो मंटो भी बेहद पसंद है। वाह। अगर सोनी सोरी पसंद है तो सिमोन डी ब्यावर भी पसंद है। साड़ी पसंद है तो पहाड़ पे टास लेयर्स पहन के चलना भी बेहद पसंद है। सब लोग, जितने भी लोगों से मिली हूँ, वो यही बोलते हैं कि जिंदगी में हम जिनसे भी मिले हैं, सबसे मेहनती लोगों की फहरिस्त में तुम आती हो, पर जब किचन की बात आए तो समझो बेड़ा गर्क। जब खुश होती हूँ तो गाइड मूवी की महिदा रहमान बन जाती हूँ और हल्के नीले रंग की साड़ी का पल्लू लहराते हुए नाचती हूँ। जब फनकार हूँ और जिंदगी में की गई गलतियों से अपनी जिंदगी को तराश रही हूँ तो मुगले आजम की संतराश। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब गुस्से में हूँ तो गगन दमामा बाजियों की शिव वर्मा बन जाती हूँ। जब नौटंकी हूँ तो शोले की धर्मेंद्र हूँ। जब कलाकार हूँ तो प्यासा की गुरुदत्त। वाह। बस इतना पता है कि एक डिब्बे में नहीं रहना। वो जो एक समाज का डिब्बा है, वो जो हम कहते हैं कि बाजारी समाज की जो खुशियां होती हैं, उसके बाहर जो एक ताला है जिसमें जंक नहीं लगी है, फपूंद लगी है, उस ताले को और अपनी जहनी बेड़ियों को पिघलाना है मुझे। क्या बात। मुझे बिखर के वापस पनपना है। ठीक मिस्र की किताबों में जिक्र किया गया है जिस चिड़िया का, कफनस और खराफी की तरह। वाह। मुझे तंग गलियों से निकल के खुले मैदान में दौड़ना है। मुझे रोज अपने आप से बात करना है। मुझे रोज अपने आप से बात करना है। मुझे जिंदगी का सफर पहचानना है, जिंदगी की खोज करनी है। बहुत अच्छा, जिंदगी का सफर। शुक्रिया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। अब हम तो क्या ही बोले, हमारे गुरुजी बोलना चाहते हैं। अशोक जी आपसे शुरू करते हैं। एक डिब्बा है, उसमें जिंदगी कैद है, और हम कहेंगे कि ये एक नए जमाने की वो लड़की है जिसको समाज रूपी डिब्बे में बंद करके रखा गया है, तो क्यों ना वो बाहर निकले और सारे बंधन और जंजीरें तोड़ दे। ये जो नया फलक, नया आसमान, नई दुनिया खुल रही है लड़कियों के आगे, उसके लिए आपने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है कविता, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। शुक्रिया। समीर जी, जिस तरह की तुम्हारी सिमिलीज थी फिल्मों से लेके, लिटरेचर से लेके, पर्सनालिटी से लेके, हर किसी को तुमने समेटने की कोशिश की और उसको एक कविता का रंग दिया, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। शुक्रिया। तो नंबर भी देख ले जी। समीर जी आपसे ही शुरू करते हैं। 90। शुक्रिया। और अशोक जी आपको देते हैं 80। शुक्रिया। तो कुल मिला के हो गया आपका 170। ठीक है सर जी, आप अच्छा आप वहाँ बैठ सकती हैं, आपको नंबर बहुत अच्छे मिले हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। सर जी आप दिल चीज की बात कर रहे थे, हमने कुछ बनाया फट फट से। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरी दुकान से कुछ सामान लीजिए।
सर जी सिमली तो नहीं समझ आती लेकिन इमली बहुत है हमारी दुकान में। तो इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग देख रहे हो 100 करोड़ का कभी, यूं जाके यूं वापस आते हैं। वो रंग प्यार का तेरे साथ गया जब तू गई, जो चमक थी हमारी आंखों में वो भी खो गई। मगर इस बार मैंने सोचा दोनों लड़के एक साथ और दोनों लड़कियां एक साथ होंगी। अच्छा, यानी सोनू रोहित सोना और फैजी खान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। कविराज जो करता है वो होता है सही। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि ऑन डीडी किसान। गुरुजी आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। तो आज के चौथे और अंतिम कवि को बुलाने की घड़ी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं, इस देश का जवान और इस देश का किसान दोनों एक जैसे। एक धरती माँ की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा देता है, तो दूसरा धरती के सीने को चीर कर हमारे लिए अनाज उगाता है। इन दोनों के बिना आप अधूरे हैं, हम अधूरे हैं और देश अधूरा है। तो बस करना है ये काम, दोनों को दें बराबर का सम्मान। कविराज का आप दोनों को प्रणाम। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह कविराज, वाह वाह। दिल से निकली बात सर जी, बहुत अच्छी निकली। तो सफर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आज के चौथे और अंतिम प्रतिभागी का नाम पढ़ते हैं। हमारे अगले प्रतिभागी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, रहने वाले उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी के हैं मगर मुंबई से आते हैं। मंच पर आ रहे हैं प्रोफेसर दिग्विजय मिश्रा। प्रोफेसर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप फ्रेंडली वाले प्रोफेसर हो या वो जो तुम्हें सहज लगे अभी? मैं तो अभी फिलहाल, हम देखते हैं हमारे सर जी को कैसे लग रहे हैं पूछ लेते हैं। सर जी हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं। मैंने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट इनकी कविता भी इनके जैसी लगे, हम यही दुआ करते हैं। शुरू कराएं सर जी? यस जी। तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक है भोली सी थी माँ मेरी। कविता का मेरा शीर्षक है भोली सी थी माँ मेरी। ये कविता मैंने मेरी माता जी के देहांत के बाद लिखी थी और वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत स्वागत। खुद से बातें करता हूँ मैं जब औरों से नहीं, खुद से बातें करता हूँ मैं जब औरों से नहीं, क्या बिगड़ जाता भगवान का जो तू रहती यहीं। वो रंग प्यार का तेरे साथ गया जब तू गई, वो रंग प्यार का तेरे साथ गया जब तू गई, जो चमक थी हमारी आंखों में वो भी खो गई। मेरा सबसे प्यारा मोती, मेरा सबसे प्यारा मोती मेरी माला को तोड़ गया, उस दर्द का कोई इलाज नहीं जो वो छोड़ गया। मुझे बहुत आती है याद तेरी, मुझे मुझे बहुत आती है याद तेरी, दिल कहता है भोली सी थी माँ मेरी, भोली सी थी माँ मेरी। किसी से मेरी गलती सुनकर उल्टा उसको ही डांटने लगना जी। किसी से मेरी बुराई सुनकर, गलती सुनकर उल्टा उसको ही डांटने लगना, मेरी खांसी की आहट सुनकर मेरे संग रात रात भर जगना, मेरी गलतियों पर रूठ जाने की धमकी देना और फिर रूठा सा तेरा एक पल भी मुझसे ना रह पाना। मुझे उलझाए रखती हैं यादें तेरी, दिल कहता है भोली सी थी माँ मेरी, भोली सी थी माँ मेरी। वाह वाह। ना गम का पता चला जब वो थी तो, ना गम का पता चला और ना खुशियां घटी, गलतियों पर भी माँ नादान कहकर जोरों से हंसती। अब वो दूर है मेरी दुनिया से, वो दूर है मेरी खबरों से, मुझे बहुत आती है याद उसकी और दिल कहता है भोली सी थी माँ मेरी, भोली सी थी
माँ मेरी, खुद से बातें करता हूँ जब औरों से नहीं, क्या बिगड़ जाता भगवान का जो तू रहती यहीं, जो तू रहती यहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद मिश्रा जी। माँ तो बहुत प्यारी चीज होती है। चलो सर जी, किससे आप पहले जानना चाहोगे? समीर सर से। जब भी माँ पे कोई कविता सुनते हैं या जब भी माँ पे कोई बात होती है, जब भी माँ के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो हम सब अपनी अपनी माँओं के भावनाओं में खो जाते हैं। अच्छी लगी कविता, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। अशोक जी, मैं इनको बधाई देता हूँ, दिग्विजय जी को, कि इन्होंने बाकी सारे काम काज छोड़कर अपने आप से बात करते हुए अपने हृदय में माँ को स्थापित किया, उसकी पूजा करी, उसके भोलेपन की सराहना करी, और हम आपकी सराहना करते। धन्यवाद सर। तो अब नंबर भी देख लेते हैं, स्कोर कितने आप जी। अशोक जी आप कितने देंगे? 60 पॉइंट। थैंक यू सर। समीर जी 60 पॉइंट। थैंक यू सर। टोटल मिला के हो गया 120। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, प्लीज टेक योर सीट। तो हमारे चारों प्रतिभागी परफॉर्म कर चुके हैं। मार्क्स आपको फिर से बता दूं, सोनू रोहित सोना जी का है 170 नंबर, आसिफ अफसर जी के हैं 160, फैजी खान जी के नंबर है 170, दिग्विजय मिश्रा जी के हैं 120 नंबर। अब समय हो चुका है दूसरे राउंड को शुरू करने का। हमारे दूसरे राउंड का नाम तो आप जानते ही हैं, यानी कि आमना सामना। इस राउंड में मिले अंकों के साथ होगा हमारे प्रतिभागियों की किस्मत का फैसला। तो आइए शुरू करते हैं पहला पड़ाव का दूसरा राउंड। इस राउंड में एक गुरुजी बताएंगे कि किस किस की जोड़ी बनेगी और दूसरे गुरुजी बताएंगे किसको क्या टॉपिक दिया जाएगा। गुरुजी अब आपका काम। कविराज इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है। अच्छा। अक्सर हम लोग प्लान करते थे कि भाई एक लड़का एक लड़की साथ में हो जी, मगर इस बार मैंने सोचा दोनों लड़के एक साथ और दोनों लड़कियां एक साथ होंगी। अच्छा, यानी सोनू रोहित सोना और फैजी खान। यस, इनकी एक जोड़ी। इनकी एक जोड़ी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा इनका विषय ये हो। ये विषय पे ये कुछ। अच्छा। दूसरे जो बचे हैं आसिफ साहब और दिग्विजय साहब जी, तो इनकी पीड़ा वही दिल मिलने वाली है, तो इनके लिए पंक्ति है जब दिल मिले। जब दिल मिले। दिल मिले, बहुत बढ़िया। तो दोनों जोड़ियां बन चुकी हैं, दोनों को टॉपिक मिल चुके हैं। यूं जाके ब्रेक लीजिए और यूं वापस आ जाइए, हम यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि, सिर्फ डीडी किसान पर। आप तो इतने पहाड़ चढ़ चुके हैं, तो छोटी सी चढ़ाई लग रही होगी जी। अच्छा था कविराज। हमें निस्बत है जिसके हर नए उगते सवेरे से, दिल की तन्हाई गई जब दिल मिले, जिंदगी पाई नई जब दिल मिले। जब दिल मिले। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सबका एक बार फिर से स्वागत है इस शो में, जहां नहीं है शुद्ध साहित्य की कमी, हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि, ओनली डीडी किसान। हमने ठीक बोला था कुछ? ओनली ऐसे हो गया था। तुम हमेशा ही ठीक बोलते हो कविराज, बोलने के बाद सोचा मत करो, जो बोल दिया बोल दिया।
शब्द बाण की तरह होता है। शब्द बाण एक बार निकल गए तो निकल गए, निकल गए। अब वो घायल की गति घायल जाने, जिसको लगेगा वो ही बता, वो जानेगा। हमने तो अपना काम कर दिया। ओके, हमारे सारे प्रतिभागी तैयार हो चुके हैं, साहित्य का अखाड़ा भी तैयार है और हम भी तैयार है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का दूसरा राउंड, यानी कि आमना सामना। आप लोग रेडी हो? तो हमारी आज की पहली जोड़ी कौन सी होगी, ये गुरुजी से पूछ लेती है। गुरु अशोक आप बताइए। सोनू रोहित सोना और फैजी खान। आ जाइए यहाँ पे। आप तो इतने पहाड़ चढ़ चुके, ये तो छोटी सी चढ़ाई लग रही होगी। जी। अच्छा था कविराज। तो हमारे पास ये कभी कॉइन है, इसको हम टॉस करेंगे। अब इसमें से किसको लेडीज फर्स्ट बोलें? इन्हें जी। फैजी जी आप चुनने मांगे, एक तरफ दबात है एक तरफ कलम, ठीक है? आपने कलम मांगी और आ गई दबात, मतलब आप चुनोगे। आपको पहले परफॉर्म करना है, आप चाहेंगी ये करें? मैं पहले परफॉर्म करना चाहूंगा। वाह वाह जी, जी जी जी। तो हम आपको विश यू ऑल द बेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया गुरु जी। शुरू करें? यस, ऑल द बेस्ट सोना जी। मेरा जो विषय है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस पर मैं आपको मेरी गजल तरन्नुम के जरिए आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। जी इरशाद, इरशाद, इजाजत, इरशाद, इरशाद। जी। हमें निस्बत है जिसके हर, हमें निस्बत है जिसके हर नए उगते सवेरे से, हमें निस्बत है जिसके हर नए उगते सवेरे से, उसे कितने चरागों ने तराशा है अंधेरे से। हमें निस्बत है जिसके हर नए उगते सवेरे से, उसे कितने चरागों ने तराशा है अंधेरे से। उसने मतलब देखिए, रहा करते हैं सदियों से ये मजहब इस करीने से, रहा करते हैं सदियों से ये मजहब इस करीने से, किसी गुलशन में रहते हो कई पौधे घनेरे से, किसी गुलशन में रहते हो कई पौधे घनेरे से, सिले हैं एक धागे से जो हम तुम यूं तो महंगे हैं, सिले हैं एक धागे से जो हम तुम यूं तो महंगे हैं, वगर ना तो किताबों के हैं पन्ने जो बिखेरे से, वगर ना तो किताबों के हैं पन्ने जो बिखेरे से। अगला शेर देखिए, भारत की अखंडता का मैंने उदाहरण दिया है, किस तरह है। परिंदों को शजर से है, तरंगों को है सागर से। क्या बात है, वाह। परिंदों को शजर से है, तरंगों को है सागर से, मोहब्बत है हमें भी इस कदर अपने बसेरे से, मोहब्बत है हमें भी इस कदर अपने बसेरे से, यही है बस्तियां सबकी यही कब्रें भी हैं उनकी, यही है बस्तियां सबकी यही कब्रें भी हैं उनकी, वो हो अल्लाह के बंदे या वो हो नानक के डेरे से, वो हो अल्लाह के बंदे या वो हो नानक के डेरे से। और आखिरी शेर है, किसी दिन जब मिलेगा सुर अगर मेरा तुम्हारा तो, किसी दिन जब मिलेगा सुर अगर मेरा तुम्हारा तो, किसी दिन जब मिलेगा सुर अगर मेरा तुम्हारा तो, रिहा होगा यकीनन ये चमन जुल्मत के फेरे से, रिहा होगा यकीनन ये चमन जुल्मत के फेरे से, हमें निस्बत है जिसके हर नए उगते सवेरे से, उसे कितने चरागों ने, उसे कितने चरागों ने तराशा है अंधेरे से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
लॉकडाउन में मैंने अपने वालिद साहब के तेल मालिश की थी क्योंकि उनको तकलीफ थी, तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है। अच्छा इरशाद। मैं फिरी दर बदर, ढूंढा जहां सारा, ढूंढा हर कोना, मिला ना कोई सहारा। तू मेरी कायनात, मैं तेरा सैयारा, सलामत रहे तू बस मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्या बात है। अरे याद है ना जब आप तकलीफ में थे, आपके उल्टे हाथ की कोई नस चढ़ी थी और उसका तकलीफ का दर्द हाथ से पीठ तक जाता था। कोशिश की थी मैंने कि मैं दूर कर दूं आपकी तकलीफ जैतून और सरसों के तेल से, पर क्या होता है कि कुछ जख्म जो हैं वो फैलते से जाते हैं और पड़ जाते हैं काले और बन जाते हैं नासूर। पर कोई भी जख्म क्यों ना हो, कितना काला क्यों ना पड़े, कोई भी जख्म क्यों ना हो, कोई कितना काला क्यों ना पड़े, कोई भी रूढ़ी वादिता जो है वो एक नए इनकलाब से ही टूटती है। क्या बात है, वाह। बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो वो सूखे जख्म हटाए मैंने, क्योंकि एक बाप जो अपना सब कुछ निछावर कर देता है अपनी औलाद के लिए, उसके पास इतना वक्त होता नहीं है कि वो अपनी जिंदगी पलट के अपने वो जख्म देख पाए, और वो वक्त के साथ कब सूखे पड़ जाते हैं पता भी नहीं चलता। आपके वो पीठ के जख्म रूढ़िवाद पर वार है, पेट्रियार्की की हार है, नए दौर की पुकार है। मुझे बेहद खुशी होती है जब सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं काफी कुछ आप पर गई हूँ, फिर मुझे याद आते हैं आपके वो पीठ के जख्म। अरे वही जो बाईपास सर्जरी के दौरान जो वो सिरिंजेस थी वो चुभी थी, तो उनके अंदर का जो एक जख्म हुआ था वो काला हुआ था, पर वो जो आपके जख्म हैं वो आपकी बीती हुई जिंदगी को दर्शाते हैं। कैसे आगरा के उस पार्क में, अरे चबूतरे पे शेक्सपियर पढ़ा करते थे, कैसे आगरा की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घंटों बैठा करते थे, कैसे जमीन में दबी हुई जो गुल्लक होती थी उसमें महीन सा चिमटा डाल के सिक्के निकाला करते थे और सिनेमा देखा करते थे, दिलीप कुमार की मूवी बागी, और बड़े मजे से उसके बाद जो है सेठ गली के दही भल्ले खाया करते थे, कैसे लाल पत्थर के बाजार से पुरानी किताबें लाया करते थे, कैसे इसमें चुगताई की जो जायके वाली कहानियां होती हैं वो पढ़ा करते थे, कैसे गांव किरावली में उनकी गलियों में दादाजी के साथ मिट्टी में लोटन लगाया करते थे, कैसे जुल्म जाति से कुछ भी हो लड़ जाया करते थे। ये सारी चीजें आपके जख्मों में दिखती हैं, और मुझे बेहद खुशी होती है जब हम एक किताब उठाते हैं और लाल सिहाई से मुझे भी उन लाइनों पे सर्कस बनाने में मजा आता है। सब लोग मेरे से पूछते हैं अरे तुम्हें हमसफर क्यों नहीं मिला, और मैं यही बोलती हूँ कि जिनके वालिद उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और बेहद इनकलाबी होते हैं, उन्हें हमसफर ढूंढने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है। हम दोनों दरअसल एक जैसे हैं। आपके वक्त की मौसिकी मेरे वक्त के दायरों में गूंजती है। वाह। जो आपकी दुनिया है वो मेरी दुनिया भी है, हमारे सुर मिलते हैं क्योंकि आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, और आप मजाक मजाक में बोल देते हैं कि अरे मैं रहूंगा नहीं तो क्या होगा, और मैं कहती हूँ जानशी हूँ आपकी, आप मुझ में जिंदा रहेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और कायल होगा उसूलों का जहां सारा, मुकम्मल होगा आपका काम सारा, तू मेरी कायनात, मैं तेरा सैयारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। थैंक यू जिल्ले लाही, जोरे कलम और ज्यादा। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। फैजी जी और सोना जी, आप दोनों की परफॉर्मेंस खत्म हो गई, पूछते हैं हमारे गुरुजनों से। समीर जी, बहुत अच्छी गजल थी, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसमें बहुत सारी नई बातें भी थीं, मगर मेरे दिल को कहीं उस तरह से नहीं छू पाई जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और तेजी जी, आपका भी सेम वैसे ही मुझे लगा, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को वहाँ तक नहीं छुआ जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर आप बधाई की पात्र हैं और मैं दुआ करता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। शुक्रिया। मैं भी अपनी बात कहता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, आप दोनों के अंदर बहुत संभावनाएं। यस। तो मैं आप दोनों को बधाई देता हूँ। तो इसके नंबर तो आपको बाद में मिलेंगे, ये आपको पता है।
तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हुई, नंबर आपको बाद में दिए जाएंगे, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। शुक्रिया। तो सर जी अगली जोड़ी को बुला ले। स्वागत है, स्वागत जी। आमना सामना में अगली जोड़ी जो आ रही है वो है दिग्विजय मिश्रा और आसिफ अफसर। आज ही स्टेज पे तो ये हमारे पास है कवि कॉइन, इससे हम करेंगे कवि टॉस। एक तरफ है दवात, एक तरफ है कलम। क्या मांगते हैं पहले, कौन मांगना चाहेगा? आप मांगेंगे? ठीक, कलम। कलम और आई दवात। अच्छा, तो क्या आप क्या परफॉर्म खुद करना चाहेंगे या चाहेंगे ये करें पहले? मैं खुद परफॉर्म करना चाहूंगा पहले। जी, तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, मुझे जैसे आपने विषय दिया था कि जब दिल मिले, तो उस विषय पर मैंने अपना जो लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ मैं। स्वागत। जो मैंने सुना देखा समझा, जो मैंने सुना देखा समझा आपसे वही हूँ कह रहा। जो मैंने सुना देखा समझा आपसे हूँ वही कह रहा, जब दिल मिले तो मिलने को कुछ भी बाकी न रहा। जब मिल जाए दिल तो फिर मिलने को कुछ भी बाकी न रहा। न जाने कितनी पहचाने लिए, न जाने कितनी पहचाने लिए फिरते हैं लोग, न जाने कितनी पहचाने लिए फिरते हैं लोग, और जब मिल जाए दिल तो अपने हो जाते हैं लोग। जब मिल जाए दिल तो अपने हो जाते हैं लोग। अब इसके आगे मैं मेरी कविता में बढ़ता हूँ और मेरी जो प्रियतमा है उसके समक्ष, जिसको मैंने कभी उस भाव से नहीं देखा, पर हृदय मिलने के बाद मैं उसके उसको जिस भाव से मैंने देखा है वो आपके समक्ष रखता हूँ। जी, मेरी प्रियतमा, मेरी प्रियतमा, यूं तो इसके पहले कई बार मिले हैं, यूं तो हम इसके पहले कई बार मिले हैं, पर इस बार कुछ अलग सा एहसास है, इस बार कुछ अलग सा एहसास है। मैं और तू सब मिट गया है, मैं और तू हम में से मिट गया है, मुझ में एक नया आविर्भाव है। मैं और तू मुझ में से मिट गया है, मुझ में एक नया आविर्भाव है। देखूं आईना भी, यदि देखूं आईना भी तो निगाहों में चेहरा तेरा है, देखूं आईना तो निगाहों में चेहरा तेरा है। न जाने क्या क्या पहचान लिए फिरता था मैं, न जाने क्या क्या पहचान लिए फिरता था मैं, अब मैं बस तेरा हूँ, मैं बस तेरा हूँ। उसके बाद जब मैं उस श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ तो मैं जो उसको परिभाषित करने के लिए लिखता हूँ वो कुछ इस तरह से है कि पत्तों पर ठहरे पानी सी, पत्तों पर ठहरे पानी सी कोई अधूरी कहानी सी। अब मेरा देखने का नजरिया बदल गया है, अब उसको मैं एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। पत्तों पर ठहरे पानी सी कोई अधूरी कहानी सी, भोली मगर सयानी सी, दिल चाहता है एक लड़की जो है थोड़ी दीवानी सी, जो है थोड़ी दीवानी सी। जब मिले हम, जब मिले दिल तो मिलने को कुछ बाकी ना रहा, जब दिल मिले तो मिलने को कुछ बाकी ना रहा। धन्यवाद। दिल की तन्हाई गई, दिल की तन्हाई गई, जब दिल मिले जिंदगी पाई नई। बहुत अच्छा, वाह वाह। जब दिल मिले, दिल की तन्हाई गई, जब दिल मिले जिंदगी पाई नई। जब दिल मिले हम भी चुप थे वो भी था खामोश सा, हम भी चुप थे वो भी था खामोश सा, पर गजल गाई गई। जब दिल मिले पर गजल गाई गई। बहुत बढ़िया। जब दिल मिले, वाह। और शेर देखिए कि तोड़ दी जाएगी हर कसमें जहां, तोड़ दी जाएगी हर कसमें जहां, ये कसम खाई गई। जब दिल मिले ये कसम खाई गई। जब दिल मिले सल्तनत सिर आबरू जान दांव पर, सल्तनत सिर अबरू
जा दांव पर क्या क्या शय लाई गई जब दिल मिले, क्या क्या शय लाई गई जब दिल मिले, जब दिल मिले होके रुसवा भी नहीं होता मलाल, होके रुसवा भी नहीं होता मलाल, सारी रुसवाई गई जब दिल मिले, होके रुसवा भी नहीं होता मलाल, सारी रुसवाई गई जब दिल मिले, जब दिल मिले। और भी थे जिनकी बनती न थी बात, और भी थे जिनकी बनती न थी बात, बात बनवाई गई जब दिल मिले, बात बनवाई गई जब दिल मिले। और आखिरी शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये शेर के, सर देखिएगा कि चीखती रहती है दुनिया देखे कौन, चीखती रहती है दुनिया देखे कौन, अपनी बीनाई गई जब दिल मिले, अपनी बीनाई गई जब दिल मिले, जिंदगी पाई नई जब दिल मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत जब दिल मिले। तो गुरुजनों, समीर जी, लग रहा आप फट से कुछ कहना चाहते हैं। मिश्रा, तुम्हारे अंदर लिखने की क्षमता है, मगर जितनी मेहनत तुमने प्रोफेसर बनने के लिए की है, उतनी मेहनत तुमको अपनी कविताओं पे करनी पड़ेगी, तब जाके कविताओं में वो रंग आएगा जो तुम इस मंच पे आके सुना सकते हो। मगर जो कोशिश की है तुमने, उसके लिए बहुत सारी मेरी तरफ से बधाइयाँ। हाँ सर, बहुत खूब, और तुम्हारा अपना एक रंग है, और तुम इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत गज़ल बना डाली तुमने जब दिल मिले को लेके, ये काबिले तारीफ है। बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। अशोक जी, दिग्विजय जी, मेरा कहना ये है आपसे, क्या फिजिक्स पढ़ाते हो? जी। और कविता में केमिस्ट्री ज़्यादा होती है, तो और गहराई में जाइए और पढ़िए तो आपको अच्छा लगेगा जब आप, क्योंकि शायरी तो इश्क का सफ़र है, आपको एक से एक बड़ा शायर मिलेगा जो तरह तरह से उसकी व्याख्या करेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, जिंदाबाद। तो नंबर इनको बाद में देंगे जी, जोड़ घटाना करना पड़ेगा ना जरा, आप जोड़ घटा कर लीजिए। नतीजे जानने को हम भी हैं बेकरार, लेकिन अभी करना होगा थोड़ा सा इंतजार, लौटेंगे अंतराल के उस पार। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि सिर्फ डीडी किसान पर। चल ठीक है, नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। तो अभी जिन दो को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत अनोखे सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। अब नतीजे बताने की बारी है सबको, तो गुरुजनों आप रेडी हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, हम आ जाओ, आ जाओ कविराज, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अपने घर? हम देख रहे थे ये लोग चौंकते हैं कि नहीं चौंकते। चल ठीक है, नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, और हम आपको याद दिला दें किसको पहले राउंड में कितने मिले थे, आपको तो पता ही होगा, फिर भी आप सबके लिए बता देते हैं कि हमारा जो पहला राउंड था उसमें दिग्विजय मिश्रा जी को मिले 120,
और जो दूसरा राउंड है उसमें अशोक जी ने दिए 60, समीर जी ने दिए 60, तो दोनों टोटल मिला के हो गए 240। आसिफ अफसर जी, पहले राउंड में आपको मिले 160 और दूसरे राउंड में अशोक जी ने आपको दिए 90 और समीर जी ने दिए 80, तो दोनों का टोटल मिला के हो गया 330। फैजी खान जी, पहले राउंड में आपको मिले 170 और दूसरे राउंड में अशोक जी ने आपको दिए 80 और समीर जी ने दिए 70, तो दोनों राउंड का मिला के हो गया 320। ताली बजा लो अपने जोर जोर से। सोना जी, पहले राउंड में आपको मिले 170 और दूसरे राउंड में अशोक जी ने आपको दिए 90 और समीर जी ने आपको दिए 80, तो टोटल मिला के हो गया 340। तो अभी जिन दो को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं वो सोनू जी और आसिफ जी, आप हमारे साथ चलेंगे अगले पड़ाव में। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और वैसे बता दूं, जिसके मार्क्स कम आए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा भी है, हमारे गुरुजनों से बहुत एक्सपर्ट टिप्पणियाँ भी मिली हैं, तो आप लोग जा सकते हैं और जो हमारे साथ आगे चलेंगे आप लोग वहाँ बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप। शुक्रिया। थैंक यू। तो मिल गए हमको अपने इस पड़ाव के दो नगीने और, तो टोटल मिला के हमको 20 नायाब नगीने मिल चुके हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो ये सब चलेंगे हमारे साथ अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते शुरू होगा दूसरा पड़ाव, जिसके साथ ही शुरू होगा साहित्य का महासंग्राम, और हमारा वादा है अगला पड़ाव होगा और भी रोमांच से भरा। और आप हम सबको दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम मिलेंगे यहीं, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों, मेरे दिल की धड़कनों में बस तेरी आवाज है। वो उड़ने की ख्वाहिश, वो गिरने का डर, तू पंख फैला तो सही, कोशिश तो कर। मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ। मेरी आँखों को बीमारी है, तेरी झलक ही दवा हमारी है। वाह 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 वाह। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। मैं नाटक में हूँ हीर बनी, और हीर तो सुंदर होती है, मुझे क्लास में सलमा छेड़े है, कहती है मिठू मोटी है।